हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो गाइडर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने किसी भी करप्ट मेमोरी कार्ड या करप्ट पेन ड्राइव को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास जो कोई मेमोरी कार्ड होता है या कोई पेन ड्राइव होती है वो करप्ट हो जाती है और विंडोज़ में वो फॉर्मेट भी नहीं हो पाती और हम लोग अपनी उस डिवाइस को बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों, अपनी आप उस डिवाइस को फेंकने से पहले इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक करप्ट मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है जो कि विंडोज़ में शो तक नहीं कर रहा है और मैं उसको आपके सामने ही रिपेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके सामने मेमोरी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये आपको सिर्फ आवाज़ ही आएगी, ये शो नहीं करेगा। ये मैं मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ, ये मैंने मेमोरी कार्ड लगा दिया लेकिन शो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ आई होगी और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, मेरे कंप्यूटर में एक डिवाइस लगी हुई है जो मेमोरी कार्ड भी मैंने लगाया है, वो यहाँ पर शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये करप्ट हो चुका मेमोरी कार्ड है, इसको मैं रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। और आपके पास भी अगर कोई करप्ट मेमोरी कार्ड या फिर कोई पेन ड्राइव है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने उस मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को फेंकने से पहले एक बार रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए आप विंडोज रन करेंगे, विंडोज प्लस आर बटन को दबाना है और आपके सामने विंडोज रन की टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सर्च करना है cmd। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर रखा है और मैं एंटर करता हूँ। और यहाँ पर हमने दोस्तों अब कुछ कमांड्स टाइप करनी है और यहाँ पर फर्स्ट कमांड हमें देनी है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट यहाँ पर लिख के और एंटर कर देना है और यहाँ पर हमें यस करना है और एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमने पुरानी वाली विंडो बंद कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक डिस्क पार्ट लिखा नहीं आया है। डिस्क पार्ट इसलिए लिखा नहीं आया क्योंकि इसमें एक करप्ट मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो उसको शो करने के लिए ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो मैं उतनी देर अपनी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, जब यहाँ पर डिस्क पार्ट लिखा आ जाए तो फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि डिस्क पार्ट लिखा आ गया है। जब डिस्क पार्ट लिखा आ जाए तभी आप नेक्स्ट कमांड दे सकते हैं, उससे पहले आप नेक्स्ट कमांड नहीं दे सकते। तो हो सकता है कि आपको 5-10 मिनट वेट करनी पड़ जाए अगर आपका कोई करप्ट मेमोरी कार्ड लगा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में करप्ट मेमोरी कार्ड या फिर करप्ट पेन ड्राइव उठाने के लिए कुछ टाइम लग जाता है कई बार, तो इसलिए आपको नेक्स्ट कमांड देने के लिए 5-10 मिनट की वेट करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कमांड यहाँ पर टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क एंड एंटर कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है डिस्क ज़ीरो, ये डिस्क ज़ीरो कौन सी है? ये मेरा हार्ड ड्राइव है, जो मेरे लैपटॉप का हार्ड ड्राइव है 665 GB का। और जो डिस्क वन है ये है मेरा मेमोरी कार्ड जो कि 512 MB का है। ठीक है, ये यहाँ पर 490 MB शो कर रहा है। आपको पता ही है कि हर मेमोरी कार्ड या हर पेन ड्राइव का साइज जितना ऊपर लिखा होता है उससे कम ही होता है। और यहाँ पर अब हम दोस्तों नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे अपने इस मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए। वो कमांड हम टाइप करेंगे सिलेक्ट डिस्क वन। डिस्क वन इसका नंबर है इसलिए हम करेंगे सिलेक्ट डिस्क वन। यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है, कहीं अगर आपने अपना हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया तो आपका हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, जो आपकी पेन ड्राइव का नंबर है उसी को सिलेक्ट करना है। तो मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ सिलेक्ट डिस्क वन एंड एंटर। ये हमारी डिस्क सिलेक्ट हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे क्लीन। क्लीन के लिए भी दोस्तों यहाँ पर कुछ समय लग सकता है क्योंकि एक करप्ट मेमोरी कार्ड को क्लीन करना है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ टाइम लग जाए। तो मैं कमांड टाइप करके देखता हूँ क्लीन एंड एंटर। यहाँ पर दोस्तों अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। मैंने क्लीन कमांड तो दे दिया लेकिन अभी कमांड रन हुई नहीं है, अभी प्रोसेसिंग में है। तो मैं वीडियो फिर से पॉज कर रहा हूँ, जब यह कमांड रन कर जाए तो फिर मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके दोस्तों, और दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लीन कमांड भी सक्सीड हो गई है। और अब हम इस पार्टीशन को प्राइमरी बनाएंगे, उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, अब इसको एंटर करते हैं।
ये हमारी पार्टीशन अब प्राइमरी बन गई और अब हम इस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे सिलेक्ट पार्टीशन 1। पहले हमने डिस्क को सिलेक्ट किया था, अब हम पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पार्टीशन 1 और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। और अब हम दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट के लिए कमांड देंगे। फॉर्मेट के लिए हम क्या कमांड देंगे, फॉर्मेट fs इक्वल टू FAT32 क्विक। ठीक है दोस्तों, कोई भी पेन ड्राइव है या कोई भी मेमोरी कार्ड है उसका फॉर्मेट जो होता है वो FAT32 होता है। तो हम फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट fs इक्वल टू FAT32 क्विक कमांड देंगे। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और जितनी देर दोस्तों 100% प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए उतनी देर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 100% प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे एग्जिट एंड एंटर कर देंगे। अब हम देखते हैं अपना मेमोरी कार्ड रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। कंप्यूटर में जाते हैं और ये देखिए यह मेमोरी कार्ड यहाँ पर शो करने लगा है। अब हम इसमें कुछ फाइल्स भी ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं कि सही में ये रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ ये वाली फ़ाइल मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और बैक गया, यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉपी भी हो रहा है तो मेमोरी कार्ड पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इस वीडियो में मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी बात इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का सही जवाब आपको दे पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल लिंक भी देके रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। और आपको मेरी किसी भी तरह से हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे साथ फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।